ये है कराची का सबसे सस्ता इफ्तार और डिनर बूफे जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में। इसमें है वो तमाम चीजें जिसको खाने के बाद आप बोलेंगे यहाँ पे जो है ना इफ्तारी का टाइम तो सिर्फ 5 मिनट रह गए और लोगों ने फुल हमला कर दिया इफ्तार के ऊपर। ये देखें आप, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो यार आज हम लोग अभी आ गए हैं अफ्तारी में, सिर्फ आधा घंटा है। मुझे लग रही थी भूख और मैंने कहा कि यार आज अफ्तारी नॉर्मल करते ही नहीं, घर में कर करके थक गए, ऑफिस में कर करके थक गए, कुछ स्पेशल जगह पे जाते हैं सस्ता और टिकाऊ हो। तो अभी मैं आ गया हूँ इसी जगह पे जहाँ पे बुफे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 650 रुपीज़ में। इसमें 32 से ज़्यादा आइटम्स हैं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर रश लगना शुरू हो गया है। तो मेरे साथ एक और ब्लॉगर है मेटा फूड की, हीरा बाजी, तो वो मेरे साथ हैं। मेन्यू इनका बिल्कुल क्रेजी है और अफ्तारी में अभी सिर्फ 20 और 30 मिनट रह गए हैं। मुझे सबर नहीं हो रहा है, मतलब इतने मज़े मज़े के आइटम हम लोग जाते हैं, 2000 के बुफे करते हैं, लेकिन ये जगह ना मैं कहता हूँ पॉकेट फ्रेंडली है। आउट चेक करें, वो वहाँ तक खुले पूरा पूरा। ये वो जगह है फजर सी फूड्स और ये यहाँ का बेहतरीन बुफे लग रहा है। तो ये यहाँ पे सारा बारबेक्यू जो है वो तैयार हो रहा है और ये देखें मज़े मज़े के विंग्स हैं, ये भी विंग्स लगे हुए हैं, ये जो है कबाब हैं, बेहतरीन किस्म का मेन्यू लग रहा है। और ये सारे आइटम्स हैं, यहाँ पे आइटम्स चेक कराते हैं आपको, आइटम सारे लग चुके हैं। इसके अंदर ये गोला कबाब है इसके अंदर और यहाँ पर हैं अलग अलग विंग्स हैं, ये देखें समोसे हैं इसके अंदर और ये भी समोसे हैं, शायद कीमे वाले होंगे, आलू वाले का हिसाब किताब है। अंदर वॉन्गटॉन वगैरह इसमें कुछ है, नाम मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पकौड़े हैं इसके अंदर, ये सारा ये वाली जो जगह है ये इफ्तारी की है और ये है ये पूरा डिनर वाला है, इसमें जो है ना सारा मेन्यू है। तो इसके अंदर चेक करते हैं, इसके अंदर फ्राइज आ गई आपकी, मज़े मज़े की फ्राइज लग रही हैं। ये आ गए हमारे पास, क्या है मुझे नहीं पता, छोटे छोटे बर्गर वगैरह कुछ हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है, देखने में अच्छी लगनी चाहिए मतलब आपको ना। ये देखें, ये आ गए इसमें रोल और ये आ गए इसके अंदर सैंडविचेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी के आइटम थे सारे और अब सारे जो हैं ये आगे डिनर के हैं इसके अंदर। ये देखें भाई, सबसे पहले आपको मिलेंगे नगेट्स और नगेट्स देख के जो है ना मुझे भूख मेरी दुबाला हो गई है। और नगेट्स के बाद यहाँ पर है ओह चिकन बिरयानी और यहाँ पे हमें दिया गया है ओह चिकन कढ़ाई, क्या बात है भाई। और इसमें है हमारे पास आलू कीमा, ओह क्या कह रहे हो भाई। और यहाँ हमें दिए गए हैं वाइट राइस हैं ये सिर्फ, ये शायद शाशलिक के साथ होंगे और मैं बिल्कुल सही था, ये शाशलिक के साथ हैं। और ये हमें दिया गया है फिर इसके बाद प्रॉन्स हैं, क्योंकि ये फजर सी फूड है तो यहाँ पे जो है ना ये सी फूड लाजमी होगा, तो ये प्रॉन्स हैं। और यहाँ पे है हमारे पास, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, प्रॉन की कढ़ाई वगैरह है या क्या चीज़ है, कुछ ना कुछ तो है। खैर ये हमारे पास मीठे में हमारे पास है गुलाब जामुन और गुलाब जामुन के साथ हमारे पास है यहाँ पे मीठे में हलवा, वाह भाई वाह हलवा। इसके अंदर है हमारे पास दही बड़े, कस्टर्ड है भाई इसके पास, ये सारे आइटम्स हैं, ये सारी चटनी वगैरह रखी हुई हैं, ये सारा मेन्यू है पूरा। ये लाना पड़ लें, देखें खाना बाहर बन लें लेकिन खाना ज़ाया मत करें। ये देखें भाई इफ्तार प्लस डिनर 590 रुपीज़, अरे मैं तो जब से 650 बोल रहा था यार, ये तो 590 है भाई, सॉरी यार ये 590 है। ये सारे इफ्तारी के आइटम हैं, ये देखें स्टार्टिंग में आपको जो है खजूर और रूह अफ़ज़ा मिल जाएगा, बाकी ये सारा आइटम है, ये सारा डिनर के अंदर प्रॉन है, प्रॉन हांडी है, ये आलू कबाब, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ लें खुद, और सिर्फ 600 के अंदर। अच्छा जी, तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये लोकेशन है फेज़ 2 के अंदर आप आएंगे फजर सी फूड्स, फजर सी फूड के नाम से है और आप सिर्फ मैप पे डालेंगे आपको जगह इजीली मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, छोटी सी दुकानों से इन्होंने शुरू किया था और नॉर्मल डेज में बुफे लगता था लेकिन अब रमज़ान में लगने लग गया। हीराबाजी को भूख लग गई, हीराबाजी यहाँ पे वेट कर रही है कि फटाफट, हीराबाजी देखें शादी में खाना खुल गया शादी में, जल्दी जाएं। यहाँ पे जो है ना इफ्तारी का टाइम सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और लोगों ने फुल हमला कर दिया इफ्तार के ऊपर, ये देखें आप फुल बूफे पे हमला हो रहा है। और ये चेक करें आप, तो भाई बहुत मुश्किल से जाके मैंने कुछ सामान लिया। क्यों नहीं खाएंगे आप खाना, खाना चाहिए अभी आप मुझे गाड़ी में कह रही थी मुझे इतनी भूख लग रही है और मुझे जल्दी से इफ्तारी खुल जाए, लग रही है भूख, लेकिन अभी एकदम से ना इफ्तारी के फौरन बाद जो है ना मैं ज्यादा नहीं खा सकती, इस वजह से मुझे प्यास बहुत लग रही है। तो ये फिर आप मतलब दोनों आते हैं, ये दोनों अभी नहीं वाले दाने, तो अपना कोई बंदोबस्त कर दूंगा, बस मैं इससे गुजारा कर दूंगा। रोजे का टाइम हो गया है, 6:49 हो चुके हैं, ये इंतजाम जो है ना वो बहुत ही बुरा है, मतलब कह ले आप सिर्फ 3 से 4 लोग हैं शॉप पे तो इतना क्राउड लग गया था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है पैसे भी नहीं दिए हुए। यहाँ पे ये सीन होता है अगर आप पैसे देते हैं तो आपकी जो है ना ये सीट्स लगा देते हैं, जब आपकी सीट्स बुक हो जाती हैं तो फिर आप प्लेट लेके जो है इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल रोड है, कोई भी आगे जो है
प्लेट लेके कोई भी बुफे निकाल सकता है। ज्यादातर लोग जो है फालतू में प्लेटें लेके जो है ना भरने लग गए थे, तो वो उसके जो ऑनर है वो आ गए, उन्होंने कहा आपने पैसे नहीं दिए थे, तो थोड़ा सा ये मसला है। तो आपको अगर आना है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा वेट करिएगा, आराम से कम मिल जाए, लेकिन तमीज़ से खा लें वो ज़्यादा अच्छा है। कहाँ जाने हो गई पहले रोज़ा करते हैं खजूर से स्टार्ट करेंगे। कैसा है भाई साहब? अच्छा। क्या अच्छा लगा अभी तक आपको? सबसे चीज सबसे अच्छी चीज अभी तक ये बहुत अच्छा लगा है। आप अच्छे हैं? अच्छा, मैं भी ट्राई करता हूँ। मैंने ट्राई किया नहीं अभी तो। सी कबाब बहुत मजे के हैं। सी कबाब ट्राई जूसी है क्योंकि मैं लेने गया था, मुझे सी कबाब मिले नहीं थे, पता है आपको? वेरी यम्मी। मेरी एक चीज़ बहुत फेवरेट है यहाँ पे, वो हैं नगेट्स, और नगेट्स हम लोग ट्राई करते हैं। चीज़ें जो है ना वो ही करेंगे मुझे। राउंड टू में हम लोगों ने ये कुछ चीज़ें ली हैं, इसमें बिरयानी है, कीमा है, ये शाशलिक है, और ये जो है इसमें ये चिकन कढ़ाई है, और ये जो है ये प्रॉन की कढ़ाई है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। खैर हम लोग प्रॉन्स ट्राई करते हैं। प्रॉन्स बहुत मज़े के हो रहे हैं। अच्छा भाई, ये जो गुलाब जामुन है ना, ये बड़े मज़े के हैं। मीठा है ना वो बहुत मज़े का है, और बाकी जो सारे आइटम हैं वो अच्छे थे। कुछ चीज़ें जो मुझे सबसे अच्छी लगी हैं, प्रॉन्स मस्ट ट्राई करने हैं जब भी आना है आपने। सही है, कढ़ाई मज़े की है, लाजमी ट्राई करनी है। बिरयानी भी अच्छी है, और इसमें जो नगेट्स हैं ना वो भी यहाँ पे खाली हो चुके हैं, बड़ी स्पीड से ख़त्म हुए नगेट्स, बहुत मज़े के थे। अच्छा जी, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और 600 रुपये में इतनी सारी चीज़ें, मतलब क्या ही बात है, मज़ा आ गया। तो अगर आप लोगों को भी आना हो तो ईजिली आप लोकेशन डालेंगे DHFS2 में, फजर सी फूड ही आप पीछे देख सकते हैं, और मेन रोड ही है, मेन रोड नहीं है तो गली वाला है, लेकिन बहुत अच्छा था हर चीज़, और मीठा बड़े मज़े का था। ये सीन था, आपसे मिलते हैं कोई और ब्लॉग में कोई और जगह में, जब तक के लिए अपने माइक को दीजिए इजाज़त।